हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गौतम और आप देख रहे हैं यूलेक इलेक्ट्रॉनिक्स। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको 4440 एम्पलीफायर के दो बोर्ड को एक साथ चलाकर दिखाएंगे। तो बहुत सारे इसके ऊपर कमेंट आ रहे थे कि ये दोनों जो बोर्ड है उसको एक साथ हम कैसे चला सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर ये जो बोर्ड आप देख पा रहे हो ये बिल्कुल कम्प्लीट है, जिसमें बेस टेबल लगा हुआ है। ये एक बोर्ड इधर है और एक बोर्ड इधर है, लेकिन दोनों को एक साथ हम किस प्रकार से चला सकते हैं वो कनेक्शन में आपको करके दिखाऊंगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा दोस्तों, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों, जब आप इस दोनों को एक साथ बोर्ड को चलाओगे तो चाहे तो ये ऑडियो गेनर बोर्ड लगा सकते हो, चाहे नहीं भी लगा सकते हो। अगर आपको लगाना है तो इससे क्या होगा दोस्तों कि जो आपका साउंड है दोस्तों वो ठीक ठाक रहेगा। तो मैं आपको बिना ऑडियो गेनर का चलाऊंगा, किसी और वीडियो में इसके साथ कनेक्शन करूंगा, क्योंकि ये आपके पास अवेलेबल नहीं होगा, इसलिए मैं इसको बिना ऑडियो गेनर के लगा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं इसलिए मैं बता दिया दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कमेंट करने लगेंगे कि जब मैंने एक ही मॉड्यूल से दोनों को इनपुट दिया है तो आवाज़ हमारा कम जाएगा, इसीलिए आप ऑडियो गेनर का भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो इसका कनेक्शन बहुत सिंपल है, मैं किसी और वीडियो में बना दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक साथ चलाने के लिए दोस्तों, यहाँ पे जो ये पैनल है तो पैनल सिर्फ एक ही रहेगा और ये दोनों बोर्ड एक साथ इसी से कंट्रोल होगा। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे कनेक्शन से पहले ये बता दूँ कि इस 4440 का जो मेन वॉल्यूम होगा साउंड का और इसका साउंड का, ठीक है, ये तो दोनों हमारा रहेगा ही, लेकिन एक मास्टर वॉल्यूम मैं अलग से ऐड करूँगा, जिससे होगा क्या कि यहाँ पे ये मास्टर वॉल्यूम हो जाएगा, जिससे हम इसको जब बढ़ाएंगे और घटाएंगे तो इसका जो दो स्पीकर इस पर ऐड रहेगा, दो स्पीकर ऐड पे, चार स्पीकर रहेगा, तो चारों कंट्रोल इसके साथ होगा। ये मास्टर वॉल्यूम हो जाएगा, उसके बाद जो इसका वॉल्यूम रहेगा और इसका वॉल्यूम रहेगा उसको अलग से भी आप एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। अगर मास्टर वॉल्यूम हमारा ऑफ रहेगा, पूरा कम रहेगा, तो ये हमारा दोनों काम नहीं करेगा, ठीक। चाहे तो आप ये लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हो। मैंने दोस्तों इसलिए लगाया क्योंकि कि अगर आपको डायरेक्ट वॉल्यूम कम करना हो तो आपको दो बार इसको एक साथ दोनों को घुमा नहीं सकते हो, ठीक है, इसलिए मैंने एक मास्टर वॉल्यूम को भी ऐड कर दिया है। तो सबसे पहले आपको करना क्या दोस्तों कि इसका जो कनेक्शन है बहुत ही सिंपल है, बस आपको समझने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर बैक साइड में देख सकते हैं जहाँ पर इसका ऑडियो इनपुट होता है, ठीक है। तो दोनों का सेम यहाँ पर ऑडियो इनपुट होता है, यहाँ पे इसका ऑडियो इनपुट ये है और इसका ऑडियो इनपुट यहाँ पे है। ये दोनों का ऑडियो इनपुट यहाँ पे है और इसका पावर सप्लाई भी यहाँ पे है और यहाँ पे। तो जब हम इसको इसमें लगाएंगे तो पावर सप्लाई हम दोनों में से किसी एक में से दे सकते हैं, चाहे तो आप इसमें से दीजिए या इसमें से दीजिए। दोनों में 7805 लगा हुआ है, अगर आपके पास 7805 वाला नहीं है, किसी एक में है, तो जिसमें है उससे आप इसमें सप्लाई दे सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम करेंगे क्या कि जैसे यहाँ पे लेफ्ट राइट आउटपुट होता है, दो चैनल, ठीक है, एक लेफ्ट होता है एक राइट होता है, और लेकिन यहाँ पर हमारा चैनल चार है। तो इसमें करेंगे क्या कि दो चैनल को हम एक चैनल बना देंगे, फिर यहाँ पे दो चैनल को एक चैनल बना देंगे, तो फिर हमारा लेफ्ट चैनल हो जाएगा और राइट हो जाएगा। तो इस चैनल से हमारा जो आउटपुट होगा दोनों हमारा लेफ्ट होगा और इस दोनों से जो होगा हमारा राइट होगा, ठीक है। जैसे कि 7388 में होता है फोर चैनल होता है, तो दो चैनल हमारा राइट होता है और दो चैनल हमारा लेफ्ट होता है, उसी प्रकार से हम इसको करने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे पहले कि यहाँ पर जो हमारा ऑडियो इनपुट का जो वायर होता है यहाँ से दोस्तों, उसको हम यहाँ से हटा लेंगे। इसका ऑडियो इनपुट यहाँ पे है, तो इसका ऑडियो इनपुट यहाँ पे है, तो ऑडियो इनपुट हम यहाँ से निकाल लेंगे। बस आपको याद रखना है दोस्तों कि कहाँ से आपने ऑडियो इनपुट का वायर हटाया था, बस आपको याद रखना है, ठीक है। दोनों मैंने ऑडियो इनपुट का यहाँ से जो वायर था हटा दिया है। उसके बाद क्या करेंगे कि मास्टर वॉल्यूम का कनेक्शन करेंगे इसमें। तो मास्टर वॉल्यूम का कनेक्शन दोस्तों कुछ इस प्रकार से करेंगे कि ऑडियो इनपुट के लिए तो जो हमारा जैक रहेगा तीन पिन वाला, जो कि लेफ्ट राइट और ग्राउंड होता है, वो तो रहेगा ही, और ये जो पिन है उसमें कुछ इस प्रकार से कनेक्शन होगा। तो जो हमारा सबसे बाएं वाला पिन होता है उसमें हम लेफ्ट और राइट का कनेक्शन करेंगे, जो कि इस कनेक्टर के दोनों साइड वाला होता है, और जो हमारा बीच वाला वायर है इस कनेक्टर का, इस वॉल्यूम के सबसे दाहिने वाले पिन में दोनों को एक साथ शॉर्ट करके ग्राउंड ग्राउंड कर देंगे, यहाँ पे ग्राउंड कर देंगे। तो
तो यहाँ पे हमारा दोनों ऑडियो इनपुट हो जाएगा और यहाँ से हमारा ग्राउंड हो जाएगा, और बचा दो पिन बीच वाला, तो मैंने इसमें चार वायर को कनेक्ट कर रखा है, तो दोनों बीच वाले को ग्राउंड करके, ये देख सकते हैं दोनों बीच वाले को ग्राउंड करके मैंने यहाँ पे पोटेंशियोमीटर के सबसे लास्ट वाला में कनेक्शन किया है जो कि ग्राउंड है, तो दोनों बीच वाला हमारा ग्राउंड हो जाता है, और जो हमारा इस वायर का दोनों साइड वाला वायर है उसको मैंने यहाँ से पोटेंशियोमीटर के बीच वाले के दोनों आउटपुट वाले में लगा दिया है इस प्रकार से। ठीक, आप देख लीजिए यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने ये जो चार वायर लगाया था तो बीच वाला दोनों मैंने ग्राउंड के साथ कनेक्ट किया था, और ये दोनों पोटेंशियोमीटर के बीच वाला से हमारा वायर आया हुआ था। आप यहाँ पे इसके कलर बाई कलर को इसको देख सकते हैं कि कौन सा कलर कहाँ पे हमारा आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चार वायर है, तो इस प्रकार से अगर इसको हम करेंगे तो ये बीच वाला हमारा दोनों ग्राउंड था, तो एक ग्राउंड और एक चैनल इसमें आ जाता है, और एक चैनल इसमें आ जाता है, और एक ग्राउंड इसमें आ जाता है। ठीक है, तो ये हमारा लेफ्ट चैनल का हो गया और राइट चैनल का हो गया, तो ये कोई ज़रूरी नहीं कि ये वाला इसमें देना है और ये वाला इसमें देना है, आप किसी में भी लगा सकते हो। ठीक है, ये आपका दो चैनल हो गया, एक लेफ्ट का एक राइट का, तो एक में ग्राउंड है और एक में मेन हमारा चैनल है, तो दोनों में हमारा मेन चैनल है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आपको कर लेना है, और आपको करना क्या है कि ये जो यहाँ पे अपने वायर हटाया था तो लेफ्ट और राइट दोनों चैनल को एक साथ हम कनेक्ट कर देंगे यहाँ पे, मतलब शॉर्ट कर देंगे, दो चैनल को हम एक चैनल बना देंगे यहाँ पे। इस प्रकार से मैंने कनेक्ट कर दिया, पहले ये तो स्टूडियो में था, अब ये मोनो में हो जाएगा एक तरह से, मतलब यहाँ पे ये मोनो हो जाएगा और ये मोनो हो जाएगा, तो ये दोनों मोनो मिल गया हमारा स्टूडियो हो जाएगा। ठीक, और ठीक उसी प्रकार से हम इसमें भी शॉर्ट कर देंगे, लेफ्ट और राइट को एक साथ कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पे कर देना है दोनों चैनल को, तो ये दोनों चैनल मिलके एक चैनल हो गया, ये दोनों चैनल मिलके एक चैनल हो गया, तो ये दोनों बोर्ड का चार चैनल मिलके हमारा दो चैनल हो गया। ठीक, और अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो मैंने वायर निकाला था इस पोटेंशियोमीटर से, जो मास्टर वॉल्यूम हम इसको बनाए हुए हैं, तो यहाँ पे हम जो हमारा पोटेंशियोमीटर के बीच वाला वायर आता है उसको हम इस चैनल के साथ जोड़ देंगे, चाहे तो आप यहाँ भी दे सकते हो, यहाँ भी दे सकते हो, दोनों का एक साथ है, और एक जो वायर बचा दोस्तों वो हमारा ग्राउंड के साथ होगा। इस प्रकार से कर लेना है, फिर दूसरे चैनल को भी हम इसमें कर देंगे, तो जो हमारा ग्राउंड है उसको ग्राउंड के साथ ही कनेक्ट करना है, और जो हमारा मेन चैनल है उसको मेन चैनल के साथ करना है। तो यहाँ से तो साइड से जो दो वायर निकला हुआ है, तो एक वायर इसके ग्राउंड में गया है और एक वायर इसके ग्राउंड में गया है, और जो बीच वाला हमारा वायर है जो ब्लैक वाला देख सकते हो, वो हमारा मेन चैनल पे आया हुआ है जहाँ से मैंने लेफ्ट राइट इनपुट का वायर हटाया था। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे ये जो वायर आप ऑरेंज कलर का देख पा रहे हो वो मैंने यहाँ पे मेन चैनल पे लगा दिया है। ठीक है, तो इसको ऑडियो इनपुट यहाँ से मिल गया है, और ये वाला जो हमारा इनपुट वाला जैक है उसको हम सिंपली क्या करेंगे कि हमारा जो ऑडियो रिसीवर है उसके हम आउटपुट वाले में डाल देंगे, जिससे क्या होगा कि यहाँ से हमारा आउटपुट होगा और इसमें चला जाएगा। ठीक, तो ये हमारा मेन हमारा कंट्रोलर हो गया मास्टर वॉल्यूम। उसके बाद जो इसमें पहले से जो हमारा वॉल्यूम लगेगा वो भी काम करेगा, लेकिन जब यहाँ से ये मेन ऑन रहेगा तब काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ से ऑन रहेगा तो उसके हिसाब से आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पे इसका मेन ऑडियो इनपुट का ये कनेक्शन हो चुका है, और उसके बाद क्या करेंगे, जब हम इसमें पावर सप्लाई देंगे दोस्तों, तो पावर सप्लाई आपको कुछ इस प्रकार से देना है कि जैसे 12 वोल्ट इसमें आप देते हो, तो एम्पियर जब एक बोर्ड के लिए 3 यूज करते हो, तो दो बोर्ड यहाँ पे है तो आप इसमें 5 से 6 एम्पियर यूज करोगे, क्योंकि यहाँ पे दो बोर्ड यूज हो रहा है। ठीक है, और इसमें पावर सप्लाई का कनेक्शन ठीक एक जैसा होगा कि यहाँ से जो प्लस है, यहाँ पे प्लस वाले वायर में मैं ये ऑरेंज कलर का यूज कर रहा हूँ, यहाँ पे जो पॉजिटिव देंगे तो पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ देंगे, क्योंकि यहाँ पे सप्लाई देंगे तो दोनों में बराबर सप्लाई जाना चाहिए, तो यहाँ पे हम माइनस के साथ इसका कनेक्ट कर देंगे इसको और यहाँ पे। ठीक, तो यहाँ पे हमारा जब हम दोनों में सप्लाई देंगे, जब हम यहाँ पे सप्लाई देंगे तो इसमें भी सप्लाई आ जाएगा, और सप्लाई के लिए दोस्तों मैं यहाँ पे ये सॉकेट यूज कर रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे एम्पियर आपको ज़्यादा ही देना है, क्योंकि यहाँ पे दो बोर्ड यूज हो रहा है,
कम एम्पियर में आपका आवाज जो है खराब निकलेगा। ठीक, तो सप्लाई का भी कनेक्शन बहुत सिंपल है दोस्तों, आपको कुछ इस प्रकार से करना है कि इसका प्लस और इसका प्लस, इसका माइनस और इसका माइनस, इस प्रकार से कर देना है। तो जैसे ही हम इसमें सप्लाई देंगे तो दोनों में हमारा सप्लाई आ जाएगा। ठीक, और यहाँ पे जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि इस कार्ड को चाहे तो आप इससे 5 वोल्ट दीजिए या इससे दीजिए, अब दोनों में से किसी एक से दे दीजिए क्योंकि यहाँ दोनों से हमारा 5 वोल्ट मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसी बोर्ड से इसको दे रहा हूँ, यहाँ पे 5 वोल्ट इसमें। ठीक, आप इससे भी दे सकते हो, ये कोई ज़रूरी नहीं कि इसी से देना है। तो ये हो गया है, ये हमारा टोटल हो गया दोस्तों। तो चलिए अब यहाँ पे हम 4 स्पीकर ऐड कर लेते हैं, तो 2 हम इसमें करेंगे, तो ये दोनों हमारा राइट का हो जाएगा और ये हमारा लेफ्ट का हो जाएगा, ये दोनों। ठीक है, लेफ्ट का हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे हम 4 स्पीकर को लगा लेते हैं। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे इस बोर्ड पे 2 स्पीकर और इस बोर्ड पे 2 स्पीकर मैंने यहाँ पे लगा दिया है। ठीक है, और दोस्तों इसका जो बेस हमारा होगा, बेस और ट्रेबल, तो इसका बेस ट्रेबल दोनों एक साथ इस चैनल के लिए काम करेगा और इसका इसके लिए काम करेगा। ठीक है, अगर इसका हम घटाते बढ़ाते हैं तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ इसी बोर्ड को फर्क पड़ेगा। ठीक, और यहाँ पे ये हमारा मेन हो गया। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा टोटल कनेक्शन हो चुका है, तो चलिए अब हम इसमें सप्लाई देते हैं। तो सप्लाई आपको ज़्यादा एम्पियर देना है, 5 एम्पियर 12 वोल्ट में। तो दोस्तों मैंने इसमें सप्लाई दे दिया है और यहाँ पे ये इसमें सप्लाई आ चुका है और ये रहा मेरा मेन, देख सकते हैं मेन हमारा मास्टर वॉल्यूम यहाँ पे रहा और देख सकते हैं सभी में हमारा एम्पलीफायर कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा इस चैनल का मेन वॉल्यूम हो गया यहाँ पे और ये हमारा मेन हमारा हो गया। ठीक, तो चलिए अब हम इसमें सॉन्ग प्ले करते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो आपको थोड़ा हमिंग आ रहा है तो आप एक वायर ग्राउंड कर दीजिए यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे एक वायर लगा रखा है जो कि हमारा ये ज़मीन से कनेक्ट है, तो इसको हम यहाँ पे लगा देते हैं। तो इससे क्या होता है दोस्तों कि हमारा हमिंग भी कम हो जाता है, ये बिल्कुल कम हो चुका है क्योंकि ये हमारा ग्राउंड हो चुका है। ठीक है, और उसके बाद क्या है कि यहाँ पे हम इसको बढ़ाते हैं वॉल्यूम को और यहाँ से, और ये मेन हमारा वॉल्यूम हो गया मास्टर वॉल्यूम। ये मास्टर वॉल्यूम है दोस्तों, तो ये हमारा चारों स्पीकर एक साथ इससे ज़्यादा कम होगा और आवाज़ कम होगा। तो दोस्तों ये जो हमारा मास्टर वॉल्यूम है तो इसको जब हम घटाएंगे बढ़ाएंगे आवाज़ को तो ये चारों में होगा। ठीक है, ये हमारा मास्टर है और ये हमारा दोनों इसका है, तो इसका हम कम करेंगे तो इसका हमारा कम हो जाएगा और इसका हम कम करेंगे तो इससे हमारा कम हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे हमारा बिल्कुल कम रहेगा तो यहाँ बढ़ाने से कोई फर्क नहीं होगा क्योंकि हमारा मास्टर जो वॉल्यूम है यहाँ पे। ठीक है, तो ये आप समझ सकते हो कि ये दोनों चैनल का है और ये मास्टर है। दोनों चैनल को शॉर्ट करके चलाया है तो ये बोर्ड हमारा ख़राब हो जाएगा और इससे हमारा बोर्ड में ऑडियो क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम होगा तो ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। आप इसको लंबे समय तक भी ऐसे करके चला सकते हो और जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था ऑडियो गेनर का भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो बिना ऑडियो गेनर का भी यूज कर सकते हो और डायरेक्ट जैसा कि मैंने आपको बताया है इसमें जम्पर लगा के उस प्रकार से भी चला सकते हो दोनों चैनल को एक साथ शॉर्ट करके। ठीक है, तो दोस्तों मैं ऐसा करता हूँ कि ये कनेक्शन आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।